जय श्री राम दोस्तों, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे हर कोई। जय श्री राम। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। तो आज है हम राम जी की नगरी अयोध्या में। तो आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे ब्लॉग में, और मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर राम मंदिर। अंदर तो अलाउड नहीं होगा फोन, यहाँ पर वेदर भी सही हो रहा है, काफ़ी अच्छा हो रहा है, और अभी हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं राम मंदिर जाने के लिए। तो दिखाएंगे आप। जय श्री राम। हनुमानगढ़ी के दर्शन हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से हुए, जो कि आपने व्लॉग में भी देखा, और अभी हम जा रहे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। तो हम जा रहे हैं अभी राम मंदिर, तो दिखाएंगे आपको। शायद अंदर तो फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं होता है, तो जितना भी जो भी हम आपको दिखा सकते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। अभी जो है हम राम मंदिर पहुंच चुके हैं, और जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लंबी लाइन यहां पर लग चुकी है, जबकि हम बहुत ज़्यादा जल्दी आए हैं, फिर भी यहां पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है राम जी के दर्शन करने के लिए। और अभी देखिए हम सभी लोग जा रहे हैं, और पीछे पापा जी लोग आ रहे हैं। जय श्री राम। काफ़ी सुंदर यहाँ पर बनाया गया है, देखिए आप यहाँ का वातावरण देखिए, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और अभी बहुत जगह काम भी यहाँ पर चल रहा है, और यहाँ पर हमारे हनुमान जी भी यहाँ पर आपने दर्शन कर लेंगे अभी। अभी हम पहुंच गए हैं बस मंदिर के अंदर, हम एंटर करने वाले हैं, लेकिन यहाँ के यहाँ से अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं होता, यहाँ पर सब कुछ जमा हो जाता है। और यहाँ पर देखिए छोटा सा मंदिर टाइप का यहाँ पर बनाया गया है, और इसमें राम जी की बहुत सुंदर प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है। ये देखिए बहुत प्यारी सी यहाँ पर फोटो लगाई गई है राम जी की। श्री राम जय जय श्री राम जय। और यहाँ पर हमारे दर्शन जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से हो चुके हैं, हम राम जी के दर्शन कर लिए। पहली बार हम यहाँ पर आए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। राम जी की प्रतिमा बहुत ज़्यादा सुंदर है, ये देखिए यहाँ आपको दिख रही होगी सामने, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पर आके, और दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए। और क्योंकि अंदर से नहीं दिखा पाए, क्योंकि वहाँ पर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं होता है। तो अभी हम सब लोग जा रहे हैं वापस, दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। और यहाँ पर ये देखिए बहुत सारे बंदर हैं, लेकिन किसी को काट नहीं रहे हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पर आके, राम जी के दर्शन बहुत अच्छे से हुए। और अभी अब हम चल रहे हैं, और इसके बाद कुछ नाश्ता वगैरह कर लेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे दशरथ महल, तो वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बने रहिए आपके लिए ब्लॉग में। अभी हम जा रहे हैं नाश्ता पानी करने के लिए उडुपी एक्सप्रेस पे, तो अंदर जाके देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी हम यहाँ पर आ गए हैं कुछ नाश्ता वगैरह करने के लिए, और मानवी की तरफ से ये अंगूठा चूसती रहती है, तो भैया और हस्बैंड जी लोग देख रहे हैं, तब तक हम उधर जाते हैं। हम मैं और मम्मी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और हमारा नाश्ता जो है आ चुका है, और हम लोग खा रहे हैं डोसा। तो पहले हम नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। नाश्ता पानी जो है हमारा हो चुका है, और अब हम मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये देखिए, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर रील्स वगैरह बना रहे हैं, तो मैंने और मम्मी लोगों ने सोचा कि हम भी एक रील बना ही लेते हैं। यहाँ
यहाँ पर देखिए एक ही कलर के और एक ही डिज़ाइन के यहाँ पर शॉप्स बनाए हैं, ये देखिए, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और कल हम जाएंगे सरयू घाट और दशरथ भवन देखने के लिए। तो आप ब्लॉग को बिल्कुल भी मत कीजिएगा, और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय श्री राम।